Editing in the sense, why I'm mentioning these two films is the editor has literally created the footage all by himself. Literally, ऐसा लगता है कि ये sequence अगर editor अच्छा ना होता तो ये film में ऐसा ऐसी ढीला जाती। दोनों filmों में। One is a war film, one is a um, kind of a CIA uh, kind of a thing, FBI, CIA वाला agent, secret agent वगैरह kind of thing. Okay, so uh,

आइडिया एंड वॉट डज एन आइडिया स्टार्ट विथ अ थॉट एंड वॉट डज अ थॉट हाउ डू यू गिव बॉडी टू अ थॉट अ वर्ड अ वर्ड आई हैव अ थॉट इन माई हेड आई मस्ट है वर्ड फॉर इट ना मैं कुछ सोच रहा हूं मैं सोच रहा हूँ क्या सोच रहा हूँ मैं मैं सोच रहा हूँ अब आप बोलेंगे क्या सोचो मैं उस लैम्प के आ लैम्प नाउ सडनली माई थॉट बिकम्स क्लियर बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लैम्प यू सी लैम्प दैट लैम्प नॉट दैट लैम्प थॉट इज आई एम थिंकिंग अबाउट लैम्प अच्छा बहुत से लैम्प्स हैं सब अलग हैं कुछ ऐसे हैं कुछ टेढ़े हैं कुछ गंदे हैं कुछ ऐसे हैं बट वेन आई से आई एम थिंकिंग अबाउट दैट लैम्प यू सेट गुड नाउ वी ऑल नो वॉट वी आर थिंकिंग अबाउट एवरीबडी इज क्लियर क्लियर बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर लैम्प देन आई से बट यू से बट सर लैम्प दैट लैम्प हैज मैनी पार्ट्स वॉट एग्जैक्टली आर यू थिंकिंग अबाउट सो आई एम मे बी थिंकिंग अबाउट द कलर

जहां पे उसमें तो है ही नहीं फिल्म का जब ये आठ डायरेक्टर को बुलाओ ऐसा लैम्प यही चाहिए दूसरा लाइक नहीं यही चाहिए या तो वो क्रिएट करेगा या वो कहेगा कि मैं नहीं दे सकता हूँ सो बट वी विल हैव चॉइसेस वी विल नॉट बी कंपेल्ड नो बडी कैन से नहीं सर बट डोंट थिंक अबाउट द लैम्प थिंक अबाउट दिस लाइट बट आर यू टॉकिंग अबाउट देन यू आई एम नॉट मेकिंग द फिल्म दैट आई वॉन्ट टू मेक आई एम मेकिंग द फिल्म दैट यू वॉन्ट टू मेक यू वॉन्ट टू मेक अ फिल्म अबाउट अ मोटरसाइकिल एंड अ बॉय एंड आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म अबाउट अ फेरारी एंड अ गर्ल इट्स अ बिग डिफरेंस सो योर स्क्रीन प्ले विल स्टार्ट विद एन आइडिया विल स्टार्ट विद वॉट यू कॉल अ कॉन्सेप्टिल स्टार्ट विद वॉट एव यू लाइक दैट विल स्टार्ट विथ वन थाट वेरी करेक्ट एंड दैट थाट विल ओनली बिकम मीनिंगफुल वेन इट बिकम्स अ वर्ड सो एब्सट्रैक्शन इज नॉट रियली गुड फॉर क्रिएटिविटी एब्सट्रैक्शन क्योंकि एब्स्रैक्शन में क्या होता है हम लोग पिन डाउन नहीं कर सकते जाते हैं बाद में जाएंगे एब्सट्रैक्शन में बाद में जाएंगे अभी हम सिर्फ उन चीजों की बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल हैं जिनके ऊपर हम कुछ जिनको हम समझ सकते हैं द मोमेंट आई से आई एम थिंकिंग अबाउट द लैम्प एवरीबडी नोज एवरीबडी नोज यू वुड यू वुड आई दर नॉट बी पेइंग अटेंशन एट ऑल ऑल वेल देर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग सम वे इन अदर वर्ड्स इफ यू से बट सर बट आई टेल यू टेल्यू आई एम थिंकिंग अबाउट द लैम्प दैट इज द स्क्रीन प्ले नाउ विल डेवलप द स्क्रीन प्ले एंड देन आई से ओके वॉट डू यू थिंक अबाउट दैट लैम्प एंजूल से सर ये कुछ और हो सकता है मैं लैम्प को लेके ये समझ आऊँ कि ये बड़ा अच्छा है ये ब्लू लैम्प है आप लैम्प को लेके ये समझ रहे हैं कि सर ये तो मेरे ग्रैंडफादर के घर में था अब वो लैम्प वो नहीं रहा जो मैं सोच रहा था अब वो ग्रैंडफादर का हो गया अब वो ग्रैंडफादर की यहाँ से भी हिस्ट्री शुरू हो सकती है तो हमारा जो स्क्रीन प्ले है वो सडनी फुट 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 इट स्टार्ट्स टू बड लाइक अ ट्री बिफोर यू नो इट इज गॉट सो मैनी लीव्स दैट वी डोंट नो वॉट टू डू विद इट नाउ इट विल स्टार्ट So you have a thought, idea, whatever concept. You give it a word. Give me a word. Anybody, give me a word. Any word that comes to your mind. Quick. Sophistication. Hmm? Sophistication. Sophistication. Okay. Sophistication. Can you make a film about sophistication? Yes. Absolutely. Any word. Come on, quick. Come on. you guys are being? Crazy. Hmm? Crazy. Crazy. Okay. Crazy. Right. Now you will.

जानते हैं इन चीजों के बारे में एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं जो फूल उगाते हैं उनको पता होता है कि इस बीज में से क्या उगने वाला है तो अगर मैं आपके पास आम की गुठली लाऊं तो पता होगा कि इसमें से आम ही उगेगा ये केले का पेड़ नहीं हो सकता है <laughs> किसी भी हालत में नहीं हो सकता है विदाउट कोर्स लॉड ऑफ साइंस एंड फिंगरिंग द डीएनए यू कॉल इट कॉमन सेंस करेक्ट तो कॉमन सेंस आपको गाइड करेगा ना लेकिन कोई भी शब्द आप ले लीजिए जिसके ऊपर आप फिल्म बनाना चाहते हैं एक तो वो आपके अंदर से आएगा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने पूछा है अब मैं आपको कहूं कि चलिए आप क्रेजी पे पिक्चर बनाए सर वो तो ऐसे ही बोल दिया था सर तो इसका कोई मतलब नहीं कि मैं आपको उठ के आपको सेंसर करूँ या आपके साथ कोई शिकायत हो ठीक है यू गेव मी अ वर्ड व्हाट वुड यू लाइक टू मेक अ फिल्म ऑन एज व्हाट वुड यू लाइक सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज़ बिग सब्जेक्ट इज़ बिग लोग कहते हैं फैमिली ड्रामा फैमिली ड्रामा इज अ सब्जेक्ट ह्यूज सब्जेक्ट तो फैमिली ड्रामा मीन्स वॉट आजकल तो साइंटिस्ट साइंटिस्ट तो कहते हैं कि ऑल मैन काइंड इज़ वन फैमिली हमारा कॉमन एनसेस्टर अफ्रीका में था सो मैनी मिलियन इयर्स वॉट एवर इट इज तो उस फैमिली में तो नहीं बना सकते कोई कहता सब हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी वॉट इज देर सच अ थिंग एज अ हिंदुस्तानी फैमिली नो no. इट वुड बी हिंदुस्तानी फैमिली इन ए पर्टिक्यूलर पार्ट ऑफ हिंदुस्तान ऑफ ए पर्टिक्यूलर सोशल स्टेटस ऑफ ए पर्टिक्यूलर इकोनॉमिक स्टेटसर कमिंग डाउन 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 एंटिल यू हैव वन फैमिल विद परव अ फैमिली ओनली विद अ ब्रदर एंड अस्टर और ओनली विद अ मदर एंड अ फादर बट यू वुड हैव टू हैव अ फैमिली का मतलब होता है ना पेरेंट बाल बच्चे एट्सेट्रा एट्सेट्रा सो एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली If I ask you to develop a screenplay on family, each one of you will start doing it differently. Unless you're copying from somewhere. Then it's different, but that we, we don't do that. No, screenplay starts with that. And generally you will find okay, it will start with whatever you consider close to yourself. What did you say, crazy? It came to you just as a thing, okay? But guard against

everybody is happy there is no problem uh, you know nobody has any fights nobody has any problems nobody uh, you know whoever wants to buy a sari can buy a sari whoever wants to buy a mercedes can buy that but that's a pretty idealistic unreal kind of family more in the realm of fantasy there must be families like this but even the ambani brothers in spite of all their billions of dollars had a fight today the brothers the family is gone no paisa agya ambani ek ho gaya, ambani dusra ho gaya. फैमिली यूनिट तो गया